नमस्कार, मैं हूं सिमरन संधू। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज और आपका स्वागत है फरीदाबाद टाइम्स में। आइए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। प्रद्युमन हत्याकांड मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए 11वीं के छात्र को शनिवार की शाम फरीदाबाद के बाल सुधार गृह में रखा जा सकता है, जिसको लेकर बाल सुधार गृह के अधीक्षक दिनेश यादव ने पूरी तैयारी कर ली है। अधीक्षक दिनेश यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि उनको आदेश भी आए हैं, वो पूरी तरह से तैयार रहें। वहीं क्राइम ब्रांच एसीपी राजेश चेची का कहना है कि फरीदाबाद पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि शनिवार को सीबीआई का रिमांड खत्म होने के बाद प्रद्युमन के हत्यारे को फरीदाबाद के बाल सुधार गृह में लाया जाएगा। तस्वीरों में दिखाई दे रहा बाल सुधार गृह फरीदाबाद के नीलम रेलवे रोड पर स्थित है, जहां आपराधिक मामलों में लिप्त नाबालिग बच्चों को रखा जाता है। इसी बाल सुधार जेल में शनिवार की शाम को प्रद्युमन के हत्यारे रियान स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र को सीबीआई द्वारा लाया जा सकता है, क्योंकि फरीदाबाद में बनी बाल सुधार जेल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जिनके सभी नाबालिग बच्चों को इसी जेल में रखा जाता है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए बाल सुधार गृह के अधीक्षक दिनेश यादव ने बताया कि प्रद्युमन की हत्या के आरोपी 11वीं कक्षा के छात्र को सीबीआई ने 3 दिन की रिमांड पर रखा हुआ है, जिनका रिमांड समय शनिवार को पूरा हो जाएगा। उसके बाद नाबालिग आरोपी को फरीदाबाद या फिर दिल्ली के बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। उन्हें अभी तक ऊपर से आदेश मिले हैं कि वो पूरी तरह से तैयार रहें। प्रद्युमन के आरोपी को फरीदाबाद में भी रखा जा सकता है, जिसको लेकर अधीक्षक दिनेश यादव का कहना है, अगर आरोपी को फरीदाबाद के बाल सुधार गृह में रखा जाता है तो वह उसके साथ वह बर्ताव करेंगे जैसा कि वह अन्य नाबालिग आरोपियों के साथ करते हैं। अभी मेरी बात हुई थी कल पीएम जेजेबी से, तो उन्होंने ये गाइडलाइन दी है कि बच्चा अभी ऑब्जर्वेशन होम फरीदाबाद में नहीं आएगा। जैसा कि ये केस पता है सभी को कि सीबीआई का केस है, तो सीबीआई ने रिक्वेस्ट की थी पीएम जेजेबी बोर्ड से कि बच्चे की कस्टडी फिलहाल उनको ही दी जाए। तो अभी बच्चा सुबह से 5 बजे से 6 बजे तक तो रहेगा, 9 से 5 बजे तक रहेगा कस्टडी में, उसके बाद ऑब्जर्वेशन होम दिल्ली में बच्चा रहेगा। और जैसे कि मुझे पता चला है अभी सैटरडे की उसकी रिमांड खत्म होगा, रिमांड के बाद डिसाइड होगा कि बच्चे को फरीदाबाद डाला जाए या बच्चे को दिल्ली ऑब्जर्वेशन रूम पे रखा जाएगा। तो अभी तक कोई न्यूनतम अंतिम निर्णय नहीं है कि फरीदाबाद ही रखा जाएगा या दिल्ली रखा जाएगा। हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं आई है, जैसे ही आएगी हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। जी, तो अभी तक जैसे माना कर यहाँ तो आप उस तरह से तैयार है कि बच्चे को यहाँ रखने के लिए वो सुविधाएं जो भी यहाँ बच्चों को दी जाती है एक जेली के रूप में बच्चे को संरक्षण के लिए, तो वो उस तरह से आप तैयार है? बिल्कुल तैयार है हम जी, सभी बच्चे एक समान है हमारे लिए और यहाँ किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी हमारे पास लगभग 6-7 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हमारे पास अभी बच्चे रह रहे हैं। वहीं क्राइम एसीपी राजेश चेची का कहना है कि प्रद्युमन के हत्यारे को फरीदाबाद की बाल सुधार जेल में ही रखा जाएगा। फरीदाबाद पुलिस की ओर से शनिवार की शाम को लेकर पूरी तैयारी है। वहीं उन्होंने हरियाणा पुलिस की कार्यवाही पर उठ रहे सवालों के बारे में कहा कि इस बारे में गुरुग्राम पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से कार्यवाही करते हैं। इसमें बाल संरक्षण केंद्र जो है वो फरीदाबाद में स्थित है, NIT एरिया में 5 नंबर में। वहाँ ऑलरेडी वैसे जेल पुलिस की तरफ से उनकी पूरी व्यवस्था रहती है वहाँ पर अब आगे सुरक्षा के लिए अगर एक्सटर्नल कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। बाकी अभी जब तक वहाँ कोर्ट से अभी जैसे 3 दिन के लिए वो पूछताछ के लिए वहीं पे रखा गया है उसको, तो परसों शायद वो एक्सपेक्टेड है शाम को वो हमारे पास यहाँ छोड़ के जाएंगे, तो उसके लिए फरीदाबाद पुलिस की तरफ से तैयारियाँ पूरी। यानी 10 तारीख की शाम को वो यहाँ पहुँचेंगे? संभावना है, क्योंकि कल जब पुलिस रिमांड उन्होंने मांगा था CBI ने, तो पता चला है कि क्योंकि पुलिस रिमांड जुवेनाइल था दे नहीं सकते, पर वो पूछताछ के लिए फर्दर इन जाँच के लिए 3 दिन के लिए वो दिन में 10 से 6 बजे तक उनके साथ रहेगा। तो परसों संभावना है वो 10 तारीख को यहाँ पे, कल शाम को 10 तारीख को लेके आएंगे। एक नज़रिए इसमें देखा गया कि हरियाणा पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि कार्रवाई ठीक प्रकार से नहीं की गई, तो क्या आप क्या मानते हैं इसमें? इस विषय में तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या सुपरवाइजर ऑफिसर ही ढंग से बता सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन की बारीकियों के बारे में तो जो लोकल पुलिस जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है या CBI जो कर रही है वही बता पाएंगे।